हेलो डैडी। हाँ, कैसी हो बेटा? आई एम फाइन। खैरियत? सुबह ही सुबह फोन किया। हाँ, वो तुम्हारी खाला कहाँ है? उनका फोन बन जा रहा खैरियत डैडी? है। हाँ, बुलाओ उन्हें। वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं। और इस सारे में आई थिंक वो ऑफिस गए हुए हैं। अच्छा, जब तुम्हारी खाला सो के उठी, उनसे कहना कि मुझे फोन कर ले। ठीक है, मैं बता दूंगी। ओके, टेक केयर। तो हाफिज। खाला सब ख्याल करे। डैडी बहुत गुस्से में थे, उससे भी अच्छी तरह बात नहीं की उन्होंने। मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग। बाबा उठ गए? वो तो सुबह से उठ गए, गए होंगे अपनी माँ के घर मशवरे करने और मजीद अब कुछ सीख रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप मुझे धमकियां दे रहा है। कैसी धमकियां? वैसे ही जिससे हर औरत कमजोर हो जाती है, लेकिन शेरी मैं कोई आम औरत नहीं और ना ही तुम्हारा बाप मुझे कमजोर समझे। मगर हुआ क्या? मेरे और इसरार के दरमियान अब ठंड गई है, मगर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हारा हमारी पहले भी बात हो चुकी है, मैं आपके साथ हूं, पीछे नहीं हटा। शेरी तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगी। मामा, मैंने कहा ना मैं आपके साथ हूं। मैंने कभी हार नहीं मानी शेरी, और अब तो मुकाबला बहुत सख्त हो गया। तुम्हारे बाप ने मुझ पर रियाज और मेहरू को तरजीह दी। मामा, बेहतर होता अगर आप और बाबा कोई मसलियत का रास्ता निकाल लेते। इस राय मेरी बात सुने तब ना, वो तो जो उनकी माँ कहती उसे दुरुस्त समझते। मगर मामा, इस मैंने तुम्हें कह दिया, तुम मेरू को जूती की नोक पर रखोगे। ठीक है, और अगर ऐसा ना किया ना तो मेरा मरा वो मुंह देखोगे तुम। मामा, वही होगा जो आप चाहती हैं। मैं हारना नहीं चाहती शेरी। आप नहीं आ रहेंगे। अरे वाह, मजा आ गया भाई। लस्सी और ये कीमे वाले पराठे, वाह, पसंद आया ना आपको? बहुत जबरदस्त। बड़े अरसे के बाद इतना डट के नाश्ता किया। जब मेहरू जाएगी ना तुम्हारे यहाँ तो रोज ऐसे ही नाश्ता मिलेगा तुम्हें। हाँ, वैसे मेरे तो ऐश हो जाएंगे। अच्छा रियाज, वो कार्ड्स लिख लिए थे तुमने? जी हाँ, वो रात को ही लिख लिए थे, बल्कि राहिल को दे दिए, आज वो पहुंचा भी देगा। और जो हमारी तरफ के कार्ड्स थे वो भी लिख लिए थे? जी हाँ, वो हमारे और आपके जो मुश्तरका जानने वाले हैं उन्हें इकट्ठे ही पहुंचा देगा। बहुत खूब। अच्छा भाभी, मेहरू से पूछिए, अगर कुछ चाहिए तो मेरे साथ बाजार चले वो। नहीं 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 सर भाई, कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। चले, जो मेरा दिल चाहेगा मैं खुद ही ले लूंगा।
और अम्मा जी आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं मेरे बच्चे, बहुत खुश है, अल्लाह तुझे बहुत दे। अच्छा भाई मुझे इजाजत है, जैसे आपकी मर्जी। क्यों मुस्कुराया जा रहा है भाई चुपके चुपके? कुछ नहीं, वैसे ही। यकीनन शहरयार की कोई बात याद आ गई होगी मैडम को। वैसे कितना अच्छा लगता है ना अपने जीवन साथी के बारे में सोचना, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, तुम गलत कब कहती हो? अच्छा बच्चू। हाँ कितना काम रह गया है? बहुत काम है अभी तो। और ये किसका है? ऑब्वियसली तुम्हारा ही होगा। आप यकीन करें सुल्तान भाई, इस रिश्ते में मेरा 1% भी कंसेंट नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी ही बात है सुल्तान भाई, इसरार और उसकी माँ ने मिलकर ये रिश्ता तय किया। लेकिन तुमने कभी नहीं कहा कि तुम हानिया को अपनी बहू बनाना चाहती हो। मुझे मौका ही नहीं मिला, मगर बाद में मैंने इसरार से बहुत कहा। वो कहते हैं कि वो अपनी माँ को जबान दे चुके हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें। अरे मैं कैसे ना परेशान हूँ, बेटी का बाप हूँ जिसे तुम बरसों से ये कहती आई हो कि वो तुम्हारी बहू बनेगी। मैं अब भी उसी बात पर कायम हूँ। क्या मतलब? हानिया मेरी बहू बनकर रहेगी। मैं समझा नहीं। बस अब चंद माह इंतजार कर ले, हानिया के भी एग्जाम्स हो रहे हैं। शेरी को मैंने समझा दिया, बहुत जल्द मेरू का पता साफ हो जाएगा। नहीं नहीं फिर आप बस फिक्र ना करें, ये मेरा फैसला है कि मैं कभी भी नेहरू को बहू के रूप में कबूल नहीं करूंगी। हानिया ही मेरी बहू बनेगी। प्लीज सुल्तान भाई मेरी बात मान ले, शेरी भी इस शादी से राजी नहीं है, बस इसरार से थोड़ा सा डरता है। सच कह रही हो तुम? मुझे गलत कहने की क्या जरूरत है सुल्तान भाई, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शेरी भी बहुत डिस्टर्ब है। और हानिया? उसे मैंने समझाया है तो वो मुतमईन हो गई है। देख लो इफ़्फ़त, मेरी हानिया को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं सुल्तान भाई, मुझे बहुत अजीज है हानिया, आपको शायद पता नहीं है मेरी जान है उसमें। आप परेशान ना हो, मैं हानिया को उसकी खुशियां दिला कर आऊंगी। ठीक ओके टेक केयर। मेहरू कहाँ है? कमरे में है। पर्दा कर रही है मुझसे शायद। तुमसे पर्दा? वो क्यों? अभी बुलाए देती हूँ। सिदरा सिदरा। जी दादू। जरा मेहरू को तो भेजो बेटा। अच्छा दादू भेजती हूँ। तुमने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। हाँ हमारी क्या तैयारी। क्यों भाई, बेटे की शादी कर रही हो, दिल खोल के खुशियां मनाओ। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई तुम शॉपिंग करके आई हो, हमें दिखाई नहीं चीजें? चले ना मैं आपको दिखाती हूँ। उसूलन तो बड़ी आपको मेरे घर भिजवा देनी चाहिए थी, हम साथ लेकर आते। इसरार ने मना किया था, सामान भेजने की कोई जरूरत नहीं, यहीं रहने दो। इसरार को क्या पता रस्मों का, आखिर मेरे घर जो लोग आएंगे मैं उनको क्या दिखाऊंगी? कह देना भिजा दिया। या ये कह दूं कि दुल्हन ने खुद खरीद लिया और घर में रख लिया? जो भी कहो तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे लड़कियां बैठी जोड़े वगैरह टाक रही हैं, सामान की तैयारी कर रही हैं, तुम भला ये सब कुछ कैसे अकेले में करती? ताईजान
अगर आप कहेंगे तो मैं गोशी के हाथ सूटकेस भिजवा दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सामान यहाँ रहे या वहाँ जाए, वापिस तो इधर ही आएगा। रहने दो, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ हाँ, रहने दो, जब पहनो ओढ़ोगी तो देख लूंगी। ये रख लीजिए। ये क्या है? शेरी ने भिजवाई है। जहेज की लिस्ट। सना प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। तो मैं क्या यहाँ एंजॉय कर रही हूँ? तुम्हें क्या पता तुम्हारी शादी का सोच सोच कर मेरा क्या हाल हो रहा है? प्लीज रो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ। पता है शेरी, तुम्हारे प्यार पे ही तो भरोसा करती हूँ मैं, वरना सच तो ये तुम्हारी शादी ने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। मेहरू वाला मामला अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है, तुम भरोसा रखो मुझ पे। क्यों टहल टहल के हलकान हुई जा रही है? अम्मा, कल माइयों है और परसों शादी और जहेज का सामान। अरे तो क्यों परेशान हो रही है? इसरार है ना, संभाल लेगा अपनी बेगम को। इस दफा इफ्फत भाभी हमारी बहुत बेइज्जती करने वाली है, देखेगा आप। अरे कुछ नहीं होने का, इसरार है ना, वो हशर करेगा, मोहतरमा याद रखेंगी। मैं रियाज को फोन करूँ क्या? अरे क्यों रियाज को फोन कर रही है? काट बांटने गया है, आ जाएगा तो बात कर लेंगे। मैं हूँ ना। ये इफ्फत भाभी ना हमें बहुत हाथ दिखा रही है। मैंने आपको कहा था, उनकी मंशा नहीं है मेहरू को बहू बनाने की। अरे ना हो उसकी मंशा, हमारी मंशा तो है ना, हम जो चाहेंगे वही होगा। अम्मा अम्मा, ऐसा ना हो मेरी बच्ची की बेकदरी हो जाए वहाँ पे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू फिक्र ना कर। अगर शहरयार माँ की बातों में आ गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसे पिया चाहे वही सुहागन, ऐसा ना हो मेरी बच्ची अभागन बन के रह जाए वहां पे। अरे मुंह से बस फालतू ना निकाल, खुद भी परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। कहाँ चले गए थे आप? कार्ड लेने गया था। बड़ी जल्दी आ गया। ठीक, कार्ड्स तो फॉर्मेलिटी है, सबको मैंने फोन पे इन्फॉर्म कर दिया है, चंद लोगों को तो देना। देखो, बहुत अच्छा लगेगा शादी के दो दिन पहले कार्ड्स भेजना। तुमने जिसको भिजवाना है भिजवा दे। मैंने किसको भेजना? क्यों अपने मैकेनिक भेज? इन्हें तो मैं तब बुलाऊंगी जब अपने बेटे की शादी हानिया से करवाऊंगी। क्या सोच रही? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि कहाँ भेज रहे हैं। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे भाई अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेगम, बहुत तलब हो रही थी चाय की।
मुझे अंदाजा था कि इस वक्त आपको चाय चाहिए होगी। हाँ, कहाँ है हमारी वो लाजी? मेहरू के कमरे में जोड़े टांग रही हैं। मेहरू खुश तो है ना? सुबह बड़ी उदास थी, चुप चुप, मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ने का दुख तो होता है ना। अरे हाँ, याद आया, इफ्फत भाभी आई थी। वही जाहिर है, वो तो आएंगी क्योंकि तुमने ढोलकी तो रखी थी। लिस्ट देकर गई है जहेज की। जहेज की लिस्ट? जी, जहेज की लिस्ट। कह रही थी शहरयार ने भेजी है। अम्मा ने कहा भी कि इसरार ने जहेज के लिए मना किया है, लेकिन कहने लगी शहरयार की ख्वाहिश है। ठीक है। क्या ठीक है? कितनी तैयारियां करनी पड़ेंगी? बिस्तर है, क्रॉकरी है, फर्नीचर है, ये सब कैसे होगा? तुम फिक्र ना करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। आप इसरार भाई से मशवरा कर लें। इसरार भाई से मशवरा करने की क्या जरूरत है? मैं शहरी से कहूंगा कि एस्टीमेट लगा ले और मैं चेक दे दूंगा। दोनों माँ बेटा ज्यादा ही बताएंगे। अब मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। और कल वो बेडरूम सेट पहुँच जाएगा। आपने खरीदा है? अरे नहीं भाई, इसरार भाई ने लिया, बहुत खूबसूरत है। कल मेहरू का कमरा सेट भी हो जाएगा और सज भी जाएगा। देख लें, ऐसा ना हो कि एंड शादी के मौके पर इफ्फत भाभी हमारी बेइज्जती कर दें। तुम फिक्र ना करो, मैं माकूल रकम का चेक जो है वो शहरी को दे दूंगा। अम्मा से मशवरा कर लें। नहीं नहीं, अम्मा को बताना भी मत। और मैं इसरार भाई के यहाँ जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरी वो चेकबुक ला दो। जी अच्छा, लाती हूँ। कोई काम तुमसे ढंग से नहीं होता। कहा था 3 प्याली चाय की बना लो, वो भी ठीक से नहीं बना सकी। मुझसे बनती ही चाय ऐसी है तो मैं क्या करूं? तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। मैं बेवकूफ हूं जो तुम्हारी जंग लड़ रही हूं। और तुम मत लड़े मेरी जंग, मुझे बाबा के पास भेज दे। क्या बात है, खैरियत से आए? जी वो शायरी को चेक देना था। कैसा चेक? वो उसने जहेज की लिस्ट भिजवाई थी ना भैया। शायरी, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा, मगर तब जब तो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। सना, तुम ही मेरी जिंदगी। मैं आज मजबूर हूं मगर हमेशा मजबूर नहीं रहूंगा। मैं शादी सिर्फ सिर्फ तुमसे करूंगा।